ये है हमारी स्मार्ट टीवी। और मैं जैसे बोलना चाहता हूँ आप सबको कि हम लोग स्मार्ट टीवी तो देख लेते हैं, कभी कभी हम लोग का यूट्यूब प्रॉब्लम कर लेता है, तो कुछ नहीं करने का, बिंदास रहने का, जिम मिल जाने का, और वाईफाई को फ़ोन के नेट को और हॉटस्पॉट को ऑन करके टीवी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। मैं कनेक्ट कर दिया, अब मैं यूट्यूब में कुछ भी देख सकता हूँ। अभी यही जाइए सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग में, लास्ट में चल जाइए, और फिर आप ऐप में जाके किसी भी ऐप में अगर गंडगल हो रहा है या घोटाल मच रहा है, तो जैसे हम फ़ोन में क्लियर डेटा करते हैं, अगर ऐप को अपडेट करते हैं, वैसे ही क्लियर डेटा कर दीजिए। और मैंने कर दिया है, उसके बाद ओपन कर दीजिए, और अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फोर स्टॉप करके ऑन कर दीजिए। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, देखिए मेरा चैनल है ऊपर में, दिखाई दिया आपको, और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। तो स्मार्ट टीवी अभी 14-15 हज़ार रुपये में मिल जाता है, आप लोग प्लीज़ स्मार्ट टीवी ख़रीद लीजिए। देखिए मेरा 6 TV है, लोग दिखा दिया है, सो प्लीज़ बाई स्मार्ट टीवी गाइस। स्मार्ट ज़माना आ गया है तो स्मार्ट होना मांगता है। सो अभी मैं देख रहा हूँ बाबूजी घर पे है, तो मैं ये चालू कर दिया, तो ये चालू हो जाएगा और इससे PS4 भी खेल सकते सब कुछ। क्या कर रहे हैं आप? अरे तू जल्दी से। दिस इज माय।